एक तरफ जहां समूचा भारत जानलेवा कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से त्रस्त है, तो वहीं किलर वायरस के चलते ममता सरकार के तेवर सख्त हैं। संकट के इस घड़ी में दीदी की दीदीगिरी चरम पर है, ऐसा हमारा नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं का कहना है। आलम यह है कि देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ममता बनर्जी में सनकी तानाशाह किम जोंग उन नजर आने लगा है। दीदी के राज में जहां अब तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं 215 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। टेनेसी राज्य के डॉक्टर इंद्रनील बसुरे ने भी इस किलर वायरस को किलिंग मशीन बताकर दीदी को आगाह कर चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं कि कोरोना को हल्के में लेना बंगाल की भयानक तस्वीर पैदा कर सकती है। लेकिन ममता सरकार की तानाशाही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया, जिसे ममता सरकार ने जीरो करार दिया। और यही देख गिरिराज सिंह को सीधे उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की याद आ गई। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सारी मर्यादा तोड़ चुकी है, किम जोंग उन की तरह बर्ताव करती है, जो उनके खिलाफ बोले उनको मरवा देती है, हम नहीं करने देंगे इस तरह का बर्ताव करती है। उन्हें शायद पता नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य की सीमा केंद्र के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन वो तो खुद को भारत का प्रधानमंत्री समझ बैठी है। बहरहाल नेताओं की तीखी बयानबाजी के बीच बंगाल की जनता त्रस्त है। अब ये देखना बाकी है कि आखिर कब तक लोगों को कोरोना वायरस से निजात मिल पाता है।